पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तुमको इस भारत के आईन को अगर तुमको इसको जिंदा रखना है, अगर इसको जिंदा रखना है, अगर इसको महज एक किताब अगर बनाकर नहीं रखना है, इसको अगर जिंदा रखना है तो हमने जो संविधान में जो बातें कही हैं कि एक भारत का जो भी नागरिक होगा उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका चैन और सुकून, उसको तरक्की के मौके, उसको अपने मजहब पर चलने की इजाजत, ये तमाम हुकूक आपको हासिल करना पड़ेगा। किताब में, संविधान में लिख दिया गया, मगर याद रखो उसको हासिल वही लोग करेंगे जो लड़ेंगे। संविधान में लिख दिया गया है तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की हिफाजत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आवाज रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के हाथ को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर को, मगर अंबेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अंबेडकर ने यह भी कहा कि मेरा हाथ यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लो। ये काम मल्ले से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है। ऐलान करना बड़खा पैसन है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काओ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंजा आजमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काओ भाषण है तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू मुसलमानों दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काओ भाषण है तो हम ये भड़काओ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफेद हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाश्ता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती है। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बातें हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई, नायक आपके नेता है, नहीं शर्मो मत, क्या हाजी रिजवान नेता है मुसलमानों के, वो समाजवादी के नेता है मुसलमानों के नहीं है, तो आप तो समाज
समाजवादी का नेता चाहिए या आपको अपना नेता चाहिए? अपना नेता चाहिए तो फिर हिस्सेदारी कैसे हासिल करेंगे? कैसे हासिल करेंगे? वोट डालना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा अपने अपने उम्मीदवारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमहूरियत की, ये लोकशाही की तल हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। आज आप देख लीजिए, अमित शाह मुरादाबाद आए थे, मुरादाबाद आकर बोला, बोले वो क्या बोले, निजाम की बात की अमित शाह, अंग्रेजी में इनसे कहा नसीमुद्दीन, आई से इमरान, एस और ए से कह दिया आजम, जेड और ए से आजम कह दिया। अमित शाह साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज है, और राज के माने आर के माने क्या है? रिश्वत। ए के माने अजय मिश्रा, जे के माने जातिवाद। आप निजाम की बात करते और अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद में आकर कहे कि बीजेपी ने विकास किया, व्यापार हुआ और सांस्कृतिक विरासत को बचाया। अमित शाह साहब, ये सांस्कृतिक विरासत क्या हमारी बच्चियों की बोली लगाना है? बताओ। फिर आप कहते हैं कि व्यापार, अरे व्यापार करने वाले, ये मुरादाबाद का जिला है, यहां पर पीतल नगरी कहा जाता है। आपके लॉकडाउन ने, आपके जीएसटी ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।